नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। दलित युवक के गायब होने के संबंध में भावाधस ने लगाए SSP से न्याय की गुहार। मुरादाबाद में सोमवार को भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर उनसे न्याय की मांग की है। इस दौरान भावाधस के मंडल प्रभारी रॉबर्ट चौधरी ने बताया कि थाना गलशहीद क्षेत्र में बूढ़ा का चौराहा वाल्मीकि बस्ती निवासी युवक मुकुर, जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष, वह 15 सितंबर की शाम से गायब है, जिसकी गुमशुदगी की सूचना उनके पिता ने थाना गलशहीद को दे दी गई थी, जबकि गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज है। कहा कि गलशहीद थाने की पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज भी चेक नहीं किए हैं। अब परिवार का संदेह है कि मुकुल वाल्मीकि गलत हाथों में ना फंस जाए, इसी को लेकर भावाधस संगठन ने SSP हेमराज मीना से मांग की है कि इस दुखद समय में परिवार की मदद करें। इस मौके पर राष्ट्रीय मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्राविड़, मंडल प्रभारी रॉबर्ट चौधरी, जिला संयोजक विशाल सरन, रवि द्राविड़, एडवोकेट आदेश कुमार आदि संगठन के लोग मौजूद रहे। मेरा नाम रॉबर्ट चौधरी है। किस संबंध में कप्तान साहब? मुकुल शरण जी हैं, जो हमारे वाल्मीकि समाज के होना युवक है, बूढ़े के चौराहे से ये युवक करीबन 22-23 दिन से लापता है। थाना गलशहीद इसकी तत्काल सूचना दे दी गई थी। हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं छानबीन करने का, लेकिन थाना गलशहीद को लगता है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। इसी संबंध में आज SSP महोदय से मिलने आए हैं कि जल्द से जल्द युवक को रिकवर करा जाए, कहाँ है, क्योंकि युवक है और घर से सिर्फ बाल कटाने गए हुआ था। कहीं को आशंका है कि कहीं किसी गलत लोग के हाथ में ना चला जाए, कोई बहला फुसला के किसी गलत काम में उसको उलझा दे। कितनी उम्र होगी इस टाइम? 23 साल की उम्र है उसकी। कितने दिन हो गए? 23 दिन हो गए। आज किससे मिला? आज SSP महोदय से मिलने आए हुए हैं हम लोग। उनसे गुहार लगाएंगे कि जल्द से जल्द मुकुल को जो है रिकवर किया जाए, उसका पता लगाया जाए कि वो कहाँ पर है और कैसे है। प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी कैमरे, क्योंकि हम लगातार गलशहीद से फिर मांग कर रहे हैं कि भाई सरकारी जो कैमरे लगे हुए उनसे उन्हें खंगाल लिया जाए, किस रूट पर गया, किसके साथ है।